टुडेज टॉपिक इज स्पेशल सीक्वेंसेस। पहली सीरीज हमने देखी थी अर्थमैटिक प्रोग्रेशन विच वॉज ऑफ दिस फॉर्म वेयर डी वॉज द कॉमन डिफरेंस। देन वी स्टडीड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जहाँ पर आर वॉज द कॉमन रेशियो। देन इट वॉज हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो कि इस फॉर्म का था या फिर वी कैन ऑल्सो राइट इट एज दिस फॉर्म। नाउ आफ्टर स्टडिंग ऑल दी सीरीज नेक्स्ट वी शैल कम टू सम स्पेशल काइंड ऑफ sequences. Now we have taken a series of first n natural numbers. यदि हम इन सबको add कर देते हैं then this is going to be Sn और इसकी value होगी n into n plus 1 upon 2. Similar to this, यदि हम इन सभी natural numbers का square कर देते हैं this will be 1 square, 2 square, 3 स्क्वायर अप टिल n स्क्वायर। तो इसका जो सम होगा दिस विल बी इक्वल टू n अपॉन 6, n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1। थर्ड केस है इफ वी टेक द क्यूब ऑफ ऑल दीज नंबर्स इक्वल टू n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। दिस इज सेम एज द फर्स्ट केस। तो हमारे पास तीन केसेस क्या हैं? फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, हम कोई भी नेचुरल नंबर नहीं ले रहे हैं बट फर्स्ट से वन से जो शुरू हो रहे हैं उसका एन तक यदि हम सम लेते हैं दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर का एन बाई 6 एन प्लस 1 इंटू 2 एन प्लस 1 और क्यूब का ये केस रहेगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। You are asked find the sum up till n terms of the following series which is 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus 3 into 4 into 5 and so on. अब ये ना तो हमें AP दिख रहा है ना ही GP ना ही HP और ना ही ये sum of natural numbers है। इस केस में पहले हमें क्या करना है इसका एक general term find out करना है। इसको हम लिख सकते हैं AN equals to N। यदि हम पहला नंबर n ले रहे हैं तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा n प्लस 1 एंड नेक्स्ट नंबर विल बी n प्लस 2। तो इस सीरीज का एक जनरल टर्म मिल गया हमको दिस विल बी इक्वल टू n क्यू प्लस 3 n स्क्वायर प्लस 2। अब हमको सिर्फ यहाँ पे nth टर्म निकाल के नहीं छोड़ना है, हमें उसको थोड़ा सिंप्लीफाइड भी करना है इनटू फॉर्म ऑफ सम पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब यदि आपको सम फाइंड आउट करना है तो फिर इसको हम लिख सकते हैं s ऑफ n इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल a k। a k एक जनरल हम नोटेशन लेके चल रहे हैं, ये सिर्फ nth टर्म है, a k इन सभी टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन सभी टर्म्स का हम सम निकाल रहे हैं। किस तरह से? k की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड इट विल गो अप टिल n। अब यहाँ पर a k को हम क्या लिख सकते हैं? समेशन k इक्वल्स 1 टिल n एंड n की जगह हम k लिख देंगे तो क्या आ जाएगा k k प्लस 1 k प्लस 2 और इसकी वैल्यू क्या होगी k क्यूब प्लस 3 k स्क्वायर प्लस 2 k। वी शैल ओपन द ब्रैकेट तो क्या हो जाएगा सम ऑफ k cube 1 to n plus 3 times of sum of k square plus 2 times of sum of k। अब पहली चीज ये क्या है? It is the sum of cube of first n natural numbers। ये कहां से कहां तक जा रही है वैल्यू? 1 से लेके n तक जा रही है, तो ये क्या हो गया? n square into n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ। इसका फॉर्मूला क्या होगा? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर विल बी n अपॉन 6 इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और ये क्या है? इट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस 2 इंटू
प्लस 1 अपॉन 2. इसको यदि हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो दिस विल बी कैंसल्ड. यहाँ पर ये 2 कैंसिल हो जाएगा. अब इस पूरी सीरीज में से वी कैन टेक सम टर्म्स कॉमन. लेट अस सी व्हाट आर दे. यदि हम n लेते हैं, n इज कॉमन टू ऑल द टर्म्स, n प्लस 1 इज कॉमन टू ऑल द टर्म्स, और बेस में क्या है, 2 कॉमन है. तो ये हमने क्या लिया, कॉमन ले लिया. अब अंदर क्या बचेगा, अंदर होगा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 प्लस n, n प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन हो गया, तो क्या बचा, 2n प्लस 1. और यहाँ पर, और यहाँ पर n, n प्लस 1 ऑलरेडी कॉमन है और 2 से डिविजन है, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये आ गया हमारा ब्रैकेट में. अब इसको हम लिख सकते हैं n, n प्लस 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा. ब्रैकेट ओपन किया तो n स्क्वायर प्लस n. यहाँ पूरे में हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 2 का. ये टर्म क्या आ जाएगा, दिस विल बी 2 प्लस 1 इज 3 हो गया. यहाँ पे एलसीएम लिया 2 का, तो ये हो जाएगा 4n प्लस 6. और ये जो 2 यहाँ पे है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे, ये इधर आ जाएगा. इसको हम और क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई हमको. यदि हम चाहें तो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं इनटू 2 फैक्टर्स. और ये फैक्टर्स क्या होंगे, n प्लस 2 और n प्लस 3. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू n, n प्लस 1 अपॉन 4 इंटू n प्लस 2 और n प्लस 3. तो ये जो हमें सीरीज दी गई थी, इसके फर्स्ट n टर्म्स का जो सम होगा, this will be the value for it. Next series we will take, find the sum of n terms of the series 3 into 1 square plus 5 into 2 square plus 7 into 3 square and likewise. Iska hame general term nikalna hai sabse pehle. Is series mein we can see there are 2 APs. Pehli hai 3, 5, 7. Iska general term kya hoga? A plus n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 2. ये हो जाएगा 2n माइनस 2 प्लस 3, दैट इज प्लस 1. तो एक टर्म हो गया इसका 2n प्लस 1, और दूसरा होगा 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टिल n स्क्वायर. सो दिस इज योर जनरल टर्म. ए के विल बी 2k प्लस 1 इंटू के स्क्वायर. ये जनरल टर्म होगा इन टर्म्स ऑफ k. इसको सिंप्लीफाई करने पे वी विल गेट 2k क्यूब प्लस k स्क्वायर. Sn विल बी इक्वल टू समेशन k इक्वल्स 1 टू n a k, एंड दिस इज इक्वल टू समेशन k 1 टू n a k. को लिख सकते हैं हम 2k क्यूब प्लस k स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, k क्यू प्लस समेशन k स्क्वायर. दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ, दिस इज द क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. इसकी वैल्यू होगी n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4, एंड दिस इज इक्वल टू n, n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन 6. दिस विल बी कैंसल्ड बाय 2, टेकिंग द कॉमन टर्म्स आउटसाइड, n, n प्लस 1 अपॉन 2. अंदर क्या बचेगा, n, n प्लस 1 प्लस 2 अंदर 3 से हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, टेकिंग द एलसीएम 3 यहाँ बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, 3 टाइम्स ऑफ, ये ओपन कर देंगे ब्रैकेट, क्या आ जाएगा, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2n प्लस 1. इसको हम क्या लिख सकते हैं,
5n. So this is going to be the sum of n terms of the given series. Let's take one more example. 3 into 8 plus 6 into 11 plus 9 into 14 and so on. In this series, we can see a pattern. Kaisa? 3, 6, 9. So iska nth term will also be a multiple of 3. That will be 3n. Aur jo dusri AP hai wo kya hai? 8, 11, 14. To iska nth term kya hoga? A plus n minus 1 into 3. To ye kya hoga? 3n. 8 minus 3 is 5. This will be 3n into 3n plus 5. अब जो हमारा nth term है, it can be simplified further as 9n square 15n. तो इस series का sum क्या होगा? Sn will be summation of k equal to 1 to n और ये होगा ak. And this is equal to summation 9k square plus 15k, क्योंकि हम an term में ak एक term लेके चल रहे हैं. And this is equal to 9 बाहर आ जाएगा, summation of k square 1 to n plus 15 into summation of k. This is equal to 9n into n plus 1 or 2n plus 1 upon 6. Another term will be 15n n plus 1 upon 2. On solving, this value will come out to be 3n into n plus 1 and n plus 3. ये होगा इस पर्टिकुलर सीरीज का सम ऑफ n टर्म्स. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन. इस सीरीज में वी कैन सी दैट द स्क्वायर ऑफ टर्म्स इज बीइंग रिपीटेड. तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं? 1 हमारा कितनी बार आ रहा है? n टाइम्स आएगा. तो इसको हम लिख सकते हैं 2 कितनी बार आएगा? n माइनस 1 टाइम्स आएगा 2 स्क्वायर. 3 स्क्वायर कितनी बार आएगा? n माइनस 2 टाइम्स. एंड लास्ट में सिर्फ क्या बचेगा? n स्क्वायर एंड दैट विल बी 1 टाइम. यू कैन सी दैट जब यहाँ पर 2 आएगा यहाँ पर n माइनस 1 होगा, जब 3 होगा n माइनस 2 होगा. तो इससे हम एक पैटर्न पता कर सकते हैं. यदि यहाँ पर टर्म है n स्क्वायर तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? n माइनस 1. और यहाँ पे हम मान के चलते हैं दिस इज k माइनस n माइनस 1. ये क्या होगा? इसका एक जनरल टर्म होगा. ए के इज इक्वल टू n माइनस k माइनस 1 इंटू k स्क्वायर. वी हैव स्विच्ड k विद n. Then Sn is equal to summation k is equal to 1 to n of ak. और ak क्या होगा? n minus k minus 1 into k square. We will open the brackets. What we will get here is this is k square. This is again k square. This term can be further simplified as n k square. और दूसरा term k square का कौन सा आएगा? ये वाला minus minus plus. ये हो जाएगा n plus 1 of k square और minus k cube. Now we shall open the brackets और summation लगा देंगे. तो क्या मिलेगा हमको? This will be equal to summation of n plus 1 k square minus summation of k
के क्यूब, यहाँ पर n माइनस वन विल बी टेकन आउट, सॉरी n प्लस वन विल बी टेकन आउट, और समीशन ऑफ k स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है, n, n प्लस वन और 2n प्लस वन अपॉन सिक्स, माइनस k क्यूब विल बी n स्क्वायर इंटू n प्लस वन होल स्क्वायर अपॉन फोर. Now let us take the common terms outside. What we get here is n, n plus 1 whole square upon 2, और अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा, 2n plus 1 upon 3, और यहाँ पे minus n upon 2. If we take the LCM, this will be equal to 6, 4n plus 2 minus 3n, ये कितना हो जाएगा, n plus 2 upon 6. This will be equal to n into n plus 1 whole square n plus 2 upon 12. So this is going to be the sum of the n terms of the given series. This is our next series. इसमें भी we have to find the sum of n terms. इसमें सबसे पहले we have to find the general term. यहाँ पे पैटर्न क्या है डिनोमिनेटर का, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4. तो हम क्या कह सकते हैं इसका जनरल टर्म या nth टर्म क्या होगा, 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1. सबसे पहले हमको इस टर्म को स्प्लिट करना है, तो पार्शियल फ्रैक्शन से हम इसको लिख सकते हैं a अपॉन n प्लस b अपॉन n प्लस 1. ऑन सॉल्विंग यू विल गेट द वैल्यूज, a is 1 and b is minus 1. एक टर्म, कोई भी जनरल टर्म क्या होगा इसका, 1 upon n minus 1 upon n plus 1. तो 1 upon 1 into 2 को हम क्या लिख सकते हैं, यह है n, यह है n plus 1. तो n is 1 minus 1 upon n plus 1, that is 2. अब जो दूसरा टर्म है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 3 को, 1 upon 2 minus 1 upon 3. Next term, इसको लिख सकते हैं 1 by 3 minus 1 upon 4. इस तरह से last term क्या होगा, 1 upon n minus 1 upon n plus 1. Now what we see here is, ये जो terms हैं, these will be cancelled. यहाँ तक टर्म्स कैंसिल होंगे और लास्ट में क्या बचेगा, 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, एंड दिस विल बी इक्वल टू n प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1. दिस विल बी द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज. लेट अस टेक अ लास्ट एग्जांपल हियर, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज. जनरल टर्म के लिए पहले हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली इसमें जो हमें दो ए पी मिल रहे हैं उनके हम अलग अलग जनरल टर्म फाइंड आउट करेंगे. लेट्स सी हाउ. पहला ए पी है 1, 4, 7, तो इसका एनी टर्म क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज 3. ये क्या हो जाएगा, 3n माइनस 2. और दूसरा ए पी है 4, 7, 10, इसका जनरल टर्म होगा 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू 3n, 4 माइनस 3 इज 1, ये होगा. तो इस वाली सीरीज का जनरल टर्म क्या हो गया, 1 अपॉन 3n माइनस 2 और 3n प्लस 1. ये जो टर्म है इसको हम डिवाइड करेंगे इंटू a 3n माइनस 2 और b 3n प्लस 1 में, वी विल फाइंड द वैल्यूज फॉर a एंड b. और ये जो सीरीज़ है इसको हम इन दोनों टर्म्स के कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, कैंसिल आउट द टर्म्स जो भी हो रहे हैं, और जो बचेगा दैट विल बी द सम ऑफ सीरीज. फाइनली एट लास्ट व्हाट यू आर गोइंग टू गेट हियर इज sn इज गोइंग टू बी इक्वल टू n अपॉन 3n प्लस 1. इसी कैटेगरी में अगला टॉपिक है सम टू इन्फिनिटी ऑफ gp. What is the formula for Sn in a GP? A 1 minus r raised to power n upon 1 minus
r, ये कब होता है? When the value for r is less than 1. Let us take r equals to 2 upon 3. Now r raised to power n, ये हो जाएगा 2 upon 3 raised to power n. ये वैल्यू क्या आ रही है? 0.66. Now, यदि n की वैल्यू, if it tends to infinity, तो rn की जो वैल्यू है, ये क्या हो जाएगी? 0.00000, at some point it will be this thing. ये वैल्यू क्या कर रही है? It tends towards 0. तो हम क्या कह सकते हैं? Sn is equal to a upon 1 minus r, क्योंकि जो rn का टर्म है, that will tend towards 0 whenever n tends towards infinity. So this is going to be the formula for sum to infinity of GP. One thing should be noted here, ये जो sum to infinity वाला केस है, this is valid only when the value of r is less than 1. यदि 1 से छोटी है, तभी ये केस apply होगा. Let us understand this. Find the sum to infinity of the series 1, 1 by 3, 1 by 9 and so on. In this case, what is r here? It is 1 upon 3 और ये value, it is less than 1. तो फिर s क्या हो जाएगा? A upon 1 minus r, that is 1 upon 1 minus 1 by 3. This is going to be 2 by 3. ये आ जाएगा 3 upon 2. So this is going to be the sum of infinity of this particular series. अगला question देखते हैं. Find the sum to infinity of the series 10 minus 9, 8.1 and likewise, यहाँ पर r की value कितनी है? Minus 9 by 10, that is minus 0.9. इससे देख सकते हैं और 8.1 upon minus 9, ये भी क्या आ जाएगा? 99 से 81. तो r की value क्या है? It is less than 1. So, s will be equal to a, that is 10 upon 1 minus r. And what is r here? Minus 0.9. ये हो जाएगा 10, 1 plus, ये plus हो जाएगा minus minus plus. तो ये हो जाएगा 1.9. And this is equal to 100 upon 19. This will be the sum to infinity of the given series. Let us take some different kind of a series. इस series को हम और कैसे लिख सकते हैं? यदि हम 7 common ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? यदि हम ऊपर नीचे 9 से multiply and divide करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 9 plus 99. ठीक है? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7 upon 9. 9 को लिख सकते हैं हम 10 minus 1 plus 99 is 100 minus 1. Then 1000 minus 1. इसको हम लिख सकते हैं 7 upon 9. और ये होगा 10 plus 10 square plus 10 cube. इस तरह से और यहाँ पर minus n times of 1. This is a GP जिसका first term है 10 और ratio भी है 10. इसका sum क्या होगा? 7 upon 9 a r n minus 1 upon r minus 1. क्यों? Because r की value 10 है जो कि 1 से बड़ी है, तो ये वाला case apply होगा. This will be 7 upon 9 a into r raised to power n, r is 10 raised to power n minus 1 upon 10 minus 1, that is 9 minus n. So this will be the sum of n terms of this particular series. So this is all we have for special sequences. See you in next lecture.